हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुवर्णा जी, आप चाहती हैं कि हम उस खूनी को पकड़ें जिसने निशी का खून किया, तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा है, है ना? अगर आप थोड़ी हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो वो खूनी किसी और को भी मार सकता है। सर, उसका सर। मैम, हमें पता है कि निशी की मौत सर कटने की वजह से हुई है। नहीं, मैं निशी की सर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस खूनी की सर की बात कर रही हूँ। वो सर कटा खूनी था, उसका सर नहीं था। क्या? सर कटा खूनी? वही होगा, वही वापस आ गया है। किसकी बात कर रही हैं आप सुवर्णा जी? कौन वापस आ गया है? अजीत। कौन है ये अजीत? 12 साल पहले हमारे मोहल्ले में रहता था और बच्चों को उठाकर लेकर जाता था। वही होगा, सच्ची वही होगा। अभी तो आप कह रही थी कि खूनी का सर नहीं था, फिर आपने कैसे पहचाना कि वो अजीत है? क्योंकि वो सर कटे खूनी ने अजीत की तरह ही कपड़े पहने थे। काला पैंट, लंबा सा जैकेट और सर पे टोपी। और हाँ, वो चमकीले जूते भी। और उसके हाथ में वो अजीत की तरह ही हथियार था। वैसे ये अजीत का क्या चक्कर है? सर, पेशे से वो छुरे चाकू बनाने का काम करता था। बहुत ही खतरनाक आदमी था सर वो। और तो और, उसने 5 बच्चों को गायब भी किया था। उसने तो मेरे बेटे सानी को भी किडनैप करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ तभी पुलिस आके उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, ये पास वाली 100 मील में। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, वरना भी बच्चे की जान लेता हूँ। मैं तेरे हाथ। अच्छा, को नीचे उतार, नीचे उतार बच्चे को। ए, मुझसे चालाकी मत करना, वरना भी इस बच्चे के सर के 2 टुकड़े करूंगा। पिस्तौल नीचे, पिस्तौल नीचे रख। रखता हूँ। सर, मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि मेरे साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ था। तो दादी, आप ये कह रहे हो 12 साल पहले जो आदमी मर गया था वो सर कटा आदमी वापस आ गया है? कुछ भी। सुवर्णा जी, कोई मरा हुआ आदमी वापस कैसे जिंदा हो सकता है, कैसे आ सकता है वो? इसी बेबी को कोई उठा ले गया। क्या हुआ? ईशा बेबी को कोई उठा ले गया। What? उठा के ले गया? कौन उठा के ले गया उसे? सरकटा आदमी। सरकटा आदमी? कहां पर देखा तुमने? निशी मैम के घर पर ही। दया, अभिजीत, जाकर देखो।
केतन आप लोग यहीं रुके। कहाँ पे? सर यहाँ इसी कमरे में। चलो दिखाओ। सर ये आपके अलावा यहाँ पे और कौन था? सर कोई भी नहीं था। क्यों? वो ईशा के पिता निशि के हस्बैंड? साहब तो अमेरिका में काम करते हैं। मैं फोन पर उन्हीं को मैम की खबर दे रही थी कि अचानक मुझे इस कमरे से आवाजें आई। मैंने यहाँ पर आके देखा तो एक सरकटा आदमी ईशा बेबी को साथ में ले जा रहा था। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? सर मैं बहुत डर गई थी। सरकटा आदमी देख के तो मैं अपने जगह से हिल ही नहीं पाई। अरे अरे मोहिनी तू कहाँ जा रही है? नहीं नहीं वो मोहल्ले की बच्ची गायब हुई है। ठहर जरा। ईशा को ढूंढ लेंगे हम। अभिजीत जूते का निशान शायद खूनी का ही होगा। सर हाँ पूर्वी। सर ये लेदर का टुकड़ा मिला है बैक डोर से। हो सकता है किसी जैकेट का हो। जैकेट का? उस मुजरिम ने ऐसा कोई जैकेट पहना हुआ था क्या? हाँ सर। सर आप प्लीज ईशा बेबी को कैसे भी करके बचा लीजिए। घबराइए मत हम लोग कोशिश करते हैं। सर खूनी के चेहरे के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। उसे पकड़े कैसे? लेकिन वो सुवर्णा मैडम तो बोली थी कि वो सरकट आदमी अजीत है। एक काम करते हैं 12 साल पहले अजीत का केस जो इंस्पेक्टर हैंडल कर रहे थे ना उनको बुलाते हैं ब्यूरो में। सब पता चल जाएगा। देखिए आप सब लोग अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। घर के दरवाजे खिड़कियां आप ठीक से बंद रखना और हाँ खास तौर से बच्चों पे जरा ध्यान रखना। ठीक है हम लोग अपने ऑफिसर्स भी यहाँ रख देंगे। हैं ध्यान रखिएगा। अरे ये क्या दादागिरी हो रही है सीआईडी की कि घर पे रहना। एक मर्डर क्या हो गया उसके पीछे हम कर्फ्यू लगा कर बैठ जाएं क्या? कोई जरूरत नहीं है घर पे बैठने की। आज मेरा बर्थडे है आज हम सब पार्टी करेंगे। हाँ। बेटा सीआईडी जो कह के गए हैं वो हमारी भलाई के लिए कह गए हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए। तो आप सुनिए ना हमें मत सिखाइए क्या करना है। नहीं मैक मुझे लगता है कमल अंकल ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। अबे कमल अंकल के चमचे क्या ठीक कह रहे थे वो कि बना हुआ अजीत वापस आ गया और हम डर के यहाँ बैठ जाएं? लेकिन सुन सुन तुझे बर्थडे पार्टी में चलना है ना तो अपना ज्यादा दिमाग मत लगा जैसा हम लोग कह रहे हैं वैसे चुपचाप करते जा समझा। लेकिन मम्मा पापा। अरे उनका क्या है उन्हें तो हम मना लेंगे ना। हाँ इस केस को हैंडल कर रहा था 12 साल पहले मैंने उसे पकड़ा था लेकिन अफसोस जेल नहीं ले जा सका। 100 मील में हादसा हुआ उसी में उसकी मौत हो गई। आपको पूरा यकीन है अजीत मर गया था? सर सर धड़ से अलग हो गया था मैं उसके अंतिम संस्कार में भी गया था। तो अब ये जुर्म कौन कर रहा है? अजीत का कोई करीबी जो 12 साल बाद बदला लेना चाहता हो? अगर बदला लेना ही होता तो 12 साल इंतजार क्यों करेगा और कौन बदला लेगा उसका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। और उसके घर के बारे में क्या ये बता सकते हो? सर सरकार ने उसके घर को सील कर दिया है। कौन ये सरकटा खूनी? सर हो सकता है उसका भूत हो। भूत?
अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू वेरी मच हेमंत, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। एनी टाइम सर। थैंक यू। सर एक नहीं दो दो लोगों ने देखा इस बिना सर वाले आदमी को। सर एक बात नोटिस किया आपने, अजीत जो था वो सिर्फ बच्चों का खून करता था, लेकिन इस खूनी ने निशी की जान ली है और उसके बाद उसकी बेटी को किडनैप किया है। एग्जैक्टली। और फिर जरूरत क्या थी निशी को मारने की? किडनैपिंग के वक्त वो बेचारी निशी घर पर थी? हाँ सर, किडनैपिंग के वक्त वो नैनी माया थी घर पे। अगर किसी का खून होना चाहिए था किडनैपिंग के लिए तो निशी का नहीं, इस माया का होना चाहिए था। ये जरूर किसी खास वजह से निशी का खून हुआ है। पूरी निशी का पति कब आ रहा है? सर कल सुबह। कल सुबह है। एक काम करो पूरी, तुम फ्रेडी और पंकज के साथ उस कॉलोनी में जाओ और वहां जो लोग रहते हैं उन पर नजर रखो, खास करके बच्चों पर। हमारे होते हुए किसी और बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ तारिका बोलो। सर निशी के गले पे जो खून मिला था ना, उसमें मुझे कुछ मेटालिक पार्टिकल्स, किसी धातु के कुछ कण मिले। अब ये भी कोई सुराग है? जिस हथियार से मारा है उसके कण तो होंगे ही ना? अरे नहीं नहीं, ये कण कुछ अलग ही टाइप के लग रहे हैं, इसलिए मुझे इसकी कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। कार्बन डेटिंग? पर क्यों कार्बन डेटिंग क्यों? बस एक बार रिजल्ट आ जाए सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन सर मुझे तो लगता है कि ये सर कटा खूनी वाकई में अजीत ही है। ये टीना और वंशिका कहाँ रह गए यार? हाँ यार बहुत मूड खराब कर रहे हैं। अरे आ गए आ गए आ गए, देखो यार टीना ने तो आने से मना कर दिया, उसने कहा कि उसे डर लग रहा है। छोड़ो उसको। अरे गाइस डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत, चलो हम लोग तो बर्थडे पार्टी एंजॉय हाँ, करते हैं, जल्दी जल्दी चलो। लेकिन अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? अरे यार मम्मी पापा को नहीं पता चलेगा। लेकिन यार फिर भी ना एक बार फिर से सोच लो, अरे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, अब इससे पहले किसी को पता चल जाए हम निकलते हैं। चलो हाँ। चलो रुको। अरे क्या हो रहा है ये, कहाँ जा रहे हो? बैग गाड़ी इतनी रात को किधर जा रहे हो? अंकल वो कहा था ना वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जाना है। हाँ अंकल मेरा बर्थडे है, हम लोग तो बहुत एंजॉय करेंगे। बेवकूफ वाली बातें मत करो, सीआईडी वालों ने मना किया ना तुम लोगों को। अरे जाने दो ना, क्यों डांट रहे हो? वैसे भी हमारा सनी कहीं नहीं निकलता बाहर, थोड़ा सा बाहर जाएगा तो अच्छा रहेगा। करो अपने मन की, लेकिन अगर किसी को भी कुछ हो गया ना जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अरे अंकल कुछ नहीं होगा, हम बच्चे थोड़ी है, चिल। अरे क्या जरूरत है जाने की, पता है ना कितना माहौल खराब है, वो सरकट आदमी इधर ही घूम रहा है। कुछ नहीं होगा बस आप जाने दो, और वैसे भी हम लोग बच्चे थोड़ी ना है। अरे सीआईडी ने मना किया ना। अरे आप ही ना। अरे यार मुझे क्यों डर रहा है? तेरा देख संभाल के रहना, वो सरकट आदमी आसपास ही कहीं हो सकता है, यही तो घर है उसका। अरे तो इधर क्यों खड़े हो, चलो ना यहाँ से। करने के बावजूद आप लोगों ने बच्चों को बाहर जाने दिया। हाँ सर, सर यहाँ एक प्रॉब्लम है। चलने की आवाज थी यार, कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ मैंने भी
कोई आवाज सुनी बहुत तेज। ए, कोई गड़बड़ नहीं, और कोई गड़बड़ है ना तो हम उसे सुल जाएंगे। हाँ। एक काम करो, तुम दोनों वहां जाके देखो, तुम यहाँ देखो, मैं इधर हाँ। पीछे जाता हूँ। और मैं तुम ना यहाँ जमीन में गड्ढा खोदो और उसमें छिप जाओ। इन लोगों का तो फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं पंकज, जंगल में नेटवर्क नहीं है। इन लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए था। जो भी हो, इससे पहले कि खूनी उन तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। वंशिका, मैक, तुम सब लोग कहाँ हो? आवाज यहां से आई है, इसी सर के देखते हैं। कहा था ना घर छोड़ के बाहर मत जाना, देख लिया अंजाम। चलो अभी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना। दो दो जाने चली गई है, दो दो जाने। अब इस केस में किसी और को नुकसान ना पहुंचे हमारी जिम्मेदारी है। वंशिका, अगर वंशिका बच भी गई ना तो पता नहीं बेचारी दोबारा बोल पाएगी भी या नहीं। सर वो बच्ची ईशा ना जाने किस हाल में होगी, अगर उसे जल्दी नहीं ढूंढा गया तो। एक बात तो तय है सर, ये सब जो कोई भी कर रहा है उसका सर कटा हुआ तो नहीं हो सकता। जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था उसे, उसे ये भी पता था कि बर्थडे पार्टी कहाँ होने वाली है। सर जरूर उस कॉलोनी में रहने वाला ही कोई है। हाँ पूर्वी, कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बैकग्राउंड चेक किए हैं ना हमने। हाँ सर, इन दोनों पे शक है सर, मोहिनी और अभय। सिर्फ मोहिनी और अभय पर ही शक क्यों? सर ये अभय सनी का पिता है, 2 साल पहले इसे गिरफ्तार किया गया था गैर कानूनी हथियार घर पे रखने के जुर्म में।
और वायलेंस के भी कुछ केसेस दर्ज है सर इसके खिलाफ। इसने अपने दो नौकरों को इतनी बुरी तरह से मारा था एक बार कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एफआईआर की कॉपी है सर हमारे पास। ये मोनी ये कमल की बीवी है और दरअसल निशी की कजन है सर, चचेरी बहन। पिछले साल एक कोर्ट केस में निशी से ये अपना एक बंगलो हार गई थी, 10 करोड़ का बंगलो था सर। उसके बाद से इसने निशी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मोहल्ले वालों से भी परेशान है क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट केस में इसका साथ नहीं दिया था। काम करते हैं सब है, नीरा मोहिनी कमल सबको बुला लेते ब्यूरो में, पूछताछ करते हैं अच्छी तरह से। और हाँ, इस निशी का पति प्रतीक उसको भी बुला लो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे निशी मुझे छोड़कर चली गई। पर प्रतीक, निशी को कौन मार सकता है? मेरा मतलब है तुम्हें किसी पर शक है? सर, निशी से तो कई लोग नफरत करते थे, खास करके कॉलोनी के बच्चे। नफरत करते थे पर क्यों? निशी थोड़ी गुस्से वाली थी। आपका आखिरी एपिसोड देखा था हम लोगों ने, अच्छी टीआरपी आई। थैंक यू। एक ऐसे इंसान की कहानी थी ना जो बच्चों को किडनैप करता। जी। कहीं अजीत के साथ तुम्हारी दोस्ती तो नहीं थी? देखिए, आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। जिस वक्त बच्चे जंगल में बर्थडे पार्टी मना रहे थे, मैं तो अपने घर पे था। और मोहिनी जी, आपने ये नहीं बताया कि निशी आपकी चचेरी बहन है? और आपने उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी, क्यों? हाँ सर, वो मेरी बहन थी, मगर आपको मेरा सर और चेहरा तो दिखाई दे रहा है ना, खूनी का तो सर ही नहीं था, तो फिर मैं कैसे खूनी हो सकती हूँ? अभय, मोहिनी, नीरा, कमल, कोने तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। कॉलोनी के सारे लोगों से कहो कि अपने घर से बाहर ना निकले जब तक ये सरकटा मुझे पकड़ा न जाए। मुझे तो चिंता लगी है बेचारे इस ईशा की, कहीं इस बच्ची को कुछ ना हो जाए। और इतनी छोटी बच्ची है कि अपने आप को बचा भी नहीं सकती। एक मिनट, क्या कहा तुमने? दया, यही कि बच्ची इतनी छोटी है कि अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकती वो। पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? क्या सर? वो रूम जहां से ईशा को किडनैप किया गया था, उस कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे दो लोगों के बीच में हाथापाई हुई हो। ये माया बता रही थी कि इसके साथ कोई हाथापाई हुई नहीं। सरकटा आदमी देख के तो मैं अपने जगह से हिल ही नहीं पाई। एग्जैक्टली। और फिर हाथापाई या फिर सामान बिखरना, ये कोई छोटे बच्चे के हाथ का काम ही नहीं। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो जूते का निशान जिसमें रंग लगा हुआ था, वो सिर्फ एक ही केस है उस कमरे में। अगर जूते को रंग लगाए नीचे से तो और भी फुटप्रिंट मिलनी चाहिए, है ना? मतलब सर, कहीं ये सब माया का किया था तो नहीं? वंशिका के डॉक्टर का मैसेज है, वंशिका को होश आ गया है। फिर तो सर वही बताएगी कौन है वो। मैं हॉस्पिटल होकर आता हूं। हाँ तारिका। क्या? क्या डॉक्टर तारिका, आप भी क्या बोल रही थी? ये सारे खून अजीत कर रहा है, एक मरा हुआ आदमी ये सब कैसे कर सकता है? ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, निशी और मैक और मीका के गले पे जो खून मिला है ना, ये बात वो कर रहा है। और उसके खून में जो मेटल पार्टिकल्स मिले थे, उसका कार्बन डेटिंग करवाने वाली थी। हाँ तो करवाई ना मैंने, और आपको पता है क्या रिजल्ट आया? आइए दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम सिर्फ तभी करते हैं जब किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट उम्र जाननी होती है। हाँ, और निशी का खून जिस हथियार से हुआ है ना, वो हथियार 10 से 12 साल पुराना है। क्या, इतना पुराना? हाँ, तभी तो उस खून में हमें आयन के और रस्ट के पार्टिकल्स मिले। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जो दूसरा वाला खून मिला है ना,
निशी के गले पे से वो किसी एक इंसान का नहीं, 12 अलग अलग लोगों का। 12 अलग अलग लोगों के खून? ये रहे 12 अलग अलग सैंपल्स और ये 12 अलग अलग डीएनए। यानी खूनी ने खून करने के बाद इतने सालों से हथियार साफ नहीं किया है। सर कटानी, सर फिरा खूनी है ये, मगर ये समझ में नहीं आया कि तुमने अजीत का नाम क्यों लिया। क्योंकि ईशा के रूम में जो जूतों के निशान मिले थे ना, उसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स मिले हैं जो किसी ऐसी जगह से आए ना, जो जगह सालों से बंद है। और जो जैकेट का पीस हमें मिला है ना, उसको सालों से धूप नहीं लगी। तो ऐसी जगह कौन सी हो सकती है जो सालों से बंद है? अजीत का घर। वंशिका, कैसी हो बेटा? एसीपी साहब, अब सीआईडी वालों का ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। रहने दे प्लीज। मेरी बेटी के अलावा मेरा जिंदगी में और कोई नहीं है। सुनो जी, देखिए, वंशिका के वोकल कॉर्ड तो चले गए, बेचारी बोल नहीं सकेगी, लेकिन एक बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि वंशिका आज भी अभी भी हमारे साथ है, उसकी जान बच गई है ना। वंशिका, 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 क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? देखो वंशिका, यहाँ पे दवाइयाँ हैं, फोन है, फोन, फोन चाहिए, ये लो, क्या? ओके, ऑन करूँ? ठीक है, ठीक है। अगर सर कटा हुआ है तो ये बात किसे कर रहा है? माय गॉड। सुवर्णा जी, जी अजीत की हाइट कितनी है, कुछ बता सकती है? उसका कद करीबन 5.5 feet। 5.5 feet? अजीत 5.5 feet है, मगर ये जो खूनी है वो तो 6 feet वाला लगता है। अजीत 5.5 feet और खूनी 6 feet, तो कहीं अजीत या फिर ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? ये मोहिनी तो निशी के पीछे पड़ी हुई थी, तो अब प्रतीक से हाथ क्यों मिला रही है? कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है? वैसे तो ये घर पिछले 12 साल से बंद पड़ा है, तो लगता है अभी भी यहाँ पे कोई आता जाता है। तो ये देखो, धूल जमी है, पर ये हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे और नीचे भी पैरों के निशान है। यहाँ पे भी बैठता होगा खूनी। ये पानी 12 साल पुराना तो नहीं है? पैरों के निशान, ये देखते हैं कहां लेके जा रहे हैं। माय गॉड, इतने सारे हथियार, हथियार पे लगा खून। शायद
इन्हीं मासूम बच्चों का होगा जिन्हें अजीत ने अपना निशाना बनाया था। इतने छोटे मासूम बच्चों को कोई मारने की कैसे सोच सकता है यार? ये अजीत तो पागल था ही, जो उसकी नकल करना चाहता है वो भी मानसिक रूप से बीमार है। जी, ये देखो, ये वही नीले रंग वाला निशान का जूता है ये, और ये कोट, इसका टुकड़ा हमें वहां ऋषि के घर पे मिला, दोनों यहां पर है। मतलब खूनी ने अजीत के घर को अपना अड्डा बना रखा है। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये खूनी है कौन? याद है डॉक्टर तारिका ने क्या कहा था? ईशा के नर्सरी में जो जूतों के निशान मिले थे ना, उस पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स मिले हैं जो किसी ऐसी जगह से आए ना, जो जगह सालों से बंद है। अगर खूनी के जूते में माइक्रोब्स हैं बंद जगह वाले, तो उसके शरीर पे भी होंगे। सीआईडी वाले बार बार हम ही हमला कर परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे अजीत, क्यों आ रहा है? किसे आ गया? किसे आ गया? किसे मार दिया? क्या बात है? हमको अजीत मार डालने का हमारी तरफ बढ़ रहा है। सब कहाँ गए? सीआईडी का सीआईडी को बुलाओ जल्दी, हमारी जान खतरे में। क्या लगा तुम सबको? क्या हमने तुम्हें तंग करने के लिए यहां बुलाया? नहीं, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया यह दिखाने के लिए किए कि सरकटा खूनी सरकटा नहीं सरफिरा है। ये सिर्फ मेकअप का कमाल है, ये इसको पहना पर सर गायब। चलिए सर, ये समझ में तो आ गया कि खूनी इसको पहनकर खून करता है, लेकिन असली खूनी है कौन? खूनी तुम भी हो सकते हो। तुम में से कोई भी हो सकता है। खूनी तुम में से कोई भी हो सकता है। सिर्फ दो मिनट, दो मिनट में पर्दा गिर जाएगा इस खेल से। ये तो पता चल गया है कि जो हथियार है वो अजीत के घर से खूनी ने चुराया था, लेकिन जब वो हथियार चुराने खूनी अजीत के घर गया तो उस बंद पड़े घर पे जगह जगह पे धूल पड़ी हुई थी जो उसके जाने से साफ हो गई, और उस कमरे में जो धूल के कण थे वो खूनी के शरीर पर आ गए। अब हम आप सबका टेस्ट करेंगे, सबका, और जिसके भी शरीर पर वो इस कमरे के कण मिलेंगे वो होगा हमारा खूनी। मगर हम पे ही क्यों शक किया जा रहा है? क्योंकि खूनी ने सिर्फ तुम पे और इस सनी पे हमला नहीं किया, और मोहिनी पे इसलिए क्योंकि वो निशी को मारने की धमकी दे चुकी थी, वो भी कई बार, और अभय पे इसलिए क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत आता है। सर, मुझ पर शक किस लिए? वो इसलिए प्रतीक जी क्योंकि आप अपनी पत्नी की दुश्मन के साथ हाथ मिलाते हुए देखे गए थे।
भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या रिजल्ट रहा? पता चला खूनी कौन है? यहाँ पता चल गया खूनी कौन है। खूनी आप में से कोई भी नहीं, खूनी सनी है। सनी मैं गया था अजीत के घर में। सच्चाई है, क्यूरियोसिटी थी मुझे, वो क्या कहते हैं उसको, जिज्ञासा थी मुझे जानने की कि वो कैसे सोचता है, कहाँ रहता है, कैसे करता है, क्या करता है। तो अगर आपको मुझे पकड़ना है तो पकड़िए, उसके घर के घुसने के जुर्म में पकड़िए, उसके खून के इल्जाम में तो नहीं पकड़ सकते। तुम्हारा गुनाह साबित करने के लिए हमारे पास एक ताश का पपलू और है, देखना चाहोगे? ये तो ईशा। सनी, क्यों किया तुमने ये सब? कोई क्यों करता है, क्यों करता है? कुछ तो जरूरत रहती होगी ना ठोस। चुप। खून करने की किसी को जरूरत नहीं होती, ऐसा विचार तो किसी विकृत दिमाग से ही उपजता। एसीपी साहब, आप सीआईडी के बहुत बहादुर ऑफिसर हैं। देश का बच्चा बच्चा आपकी बहादुरी की किस्से सुनता है, सब जानते हैं आप लोगों को, लेकिन मुझ जैसे कमजोर को ये समाज किस तरह से पैरों तले रोनता है आप नहीं समझ सकते। क्यों, ऐसा क्या गलत किया समाज ने तुम्हारे साथ? हा? मुझे इस्तेमाल किया, ऐसे इस्तेमाल किया जैसे मैं कूड़े का डिब्बा हूं। वो निशी मुझसे अपने घर का काम कराती है, और अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो झाड़ू से मारती थी। बेटा, इतना सब गुस्सा तुम अपने अंदर दबा के बैठे थे, हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? अरे तू तो क्या कहता, आप तो पीते थे और मुझे बेल्टों से मारते थे। वो तो बहुत अच्छा हुआ ये सीआईडी वालों ने मुझे पकड़ लिया, फिर ना अगला खून आपका करता। माना कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर तुम अपने पिता का खून करने की कैसे सोच सकते हो? आपने भी तो अपने बेटे को मारा था। भूल गए क्या? बकवास कर रहे हो, खून नहीं किया था, देश के लिए अपना फर्ज निभाया था, फर्क है दोनों में। तो मैं भी अपने दिल का फर्ज निभा रहा था, प्यार करता था मैं मीका से, लेकिन उसने क्या किया, अपने दोस्तों के सामने मजाक बनाया मेरा। मार दिया मैंने। वाकई इसे इलाज की जरूरत है, ले जाओ इसे। तो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.